हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1000 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के पार्ट थर्ड। तो इससे पहले दो पार्ट्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट जीके की प्लेलिस्ट में वो पार्ट्स आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी नई अपडेट आए वो आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। तो आज हम पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 300 तक जो है इसमें कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 201 है, मुगल डायनेस्टी इज फॉलोड बाय। मुगल डायनेस्टी के बाद जो है कौन सी डायनेस्टी आई थी जम्मू और कश्मीर में, वो थी अफगान रूल। क्वेश्चन नंबर 202, द वर्ड कश्मीर कम्स फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड्स का एंड शिमीरी विच मीन्स। तो जो कश्मीर वर्ड है ये दो संस्कृत वर्ड से निकला है, का और शिमीर, जिसका मतलब है वाटर एंड ड्राई अप। क्वेश्चन नंबर 203, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट्स टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर। तो कश्मीर में फर्स्ट न्यूलिथिक साइट्स कौन सी थी, तो वो थी बुर्जा होम। क्वेश्चन नंबर 204, द मुगल रीन इन कश्मीर केम टू एन एंड बाय द इन्वेजन्स ऑफ। किसके हमले के बाद किसके हमले के बाद कश्मीर में मुगलों का जो रूल था उसका खात्मा हो गया, तो वो था अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन्स के बाद। क्वेश्चन नंबर 205, ऑन विच डेट द जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन बिल डिस्कस्ड राज्यसभा। तो राज्यसभा में जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है ये कब डिस्कस किया गया, तो ये किया गया था अगस्त 5, 2019 को, और अगस्त 6, 2019 को लोकसभा में इसके डिस्कस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 206, द यूटी ऑफ जे एंड के इज सिमिलर टू। तो यूटी ऑफ जे एंड के वो सिमिलर है किसके, कौन सी यूटी के रिलेटेड, तो वो है दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली में भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और यहाँ पर भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। क्वेश्चन 207, द यूटी ऑफ लद्दाख इज सिमिलर टू। तो राइट आंसर इज चंडीगढ़, यूटी ऑफ लद्दाख इज सिमिलर टू चंडीगढ़, यहाँ पर कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 208, लव ऑल एंड स्मैश आर रिलेटेड टू विच गेम स्पोर्ट्स। तो लव ऑल एंड स्मैश आर रिलेटेड टू बैडमिंटन। क्वेश्चन नंबर 209, कुचिपुड़ी इज द फोक डांस ऑफ। तो कुचिपुड़ी इज द फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 210, हु वॉज द एक्सकेवर्स ऑफ हड़प्पा साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो राइट आंसर इज दयाराम सहनी वॉज द एक्सकेवेटर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 211, न्यूज़ पेपर केसारी एंड मराठा वॉज पब्लिश्ड बाई। तो न्यूज़ पेपर केसारी और मराठा जो है ये बीजे तिलक के द्वारा पब्लिश किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 212, हु सेट बैक टू विवेदास। तो राइट आंसर इज दयानंद सरस्वती ने कहा था बैक टू वेदास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 213, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट। तो राइट आंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 214, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट 23.5 डिग्री साउथ। क्वेश्चन नंबर 215, 1 degree latitude is equal to। तो राइट आंसर इज 111 किलोमीटर, 1 degree latitude is equal to 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 216, डुडवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। तो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश, डुडवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 217, हु इन्वेंटेड बॉल पॉइंट पेन। तो राइट आंसर इज जॉन जे लॉर्ड इन्वेंटेड द बॉल पॉइंट पेन। क्वेश्चन नंबर 218, विच इज यूज टू मियर्स द प्योरिटी ऑफ मिल्क। तो राइट आंसर इज लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर इज यूज टू मेयर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। क्वेश्चन नंबर 219, विच विटामिन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो राइट आंसर इज विटामिन डी जो है नेसेसरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। क्वेश्चन नंबर 220, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड ड्यू टू एस्थमा। तो एस्थमा की डिजीज से कौन सा बॉडी का पार्ट इफेक्टेड होता है, तो वो होता है लंग्स। क्वेश्चन नंबर 221, हु बिल्ड चश्मा शाही। तो चश्मा शाही किसने बिल्ड किया था, तो चश्मा शाही बिल्ड किया था अली मर्दान खान ने। क्वेश्चन नंबर 222, हु कंस्ट्रक्टेड द शंकर आचार्य टेम्पल। शंकर आचार्य टेम्पल किसने बनवाया था, तो ये बनाया था राजा गोप आदित्य ने। क्वेश्चन नंबर 223, द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर हु प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ एनिमल्स इवन फॉर। तो कश्मीर में जो सबसे पहले एनिमल्स को स्लॉटर कर, एनिमल्स को जो ज़बह करने का सिस्टम था, उससे किसने प्रोहिबिट किया, तो वो किया था मेगा वर्ष ने। क्वेश्चन नंबर 224, द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। तो कश्मीर का फर्स्ट अफगान गवर्नर कौन था, वो था आजिम खान। क्वेश्चन नंबर 225, इन विच सीजन सैफ्रन इज हार्वेस्टेड इन जे एंड के। तो राइट आंसर इज ऑटमन सीजन, ऑटमन सीजन में सैफ्रन जो है वो काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 226, द यूटी ऑफ जे एंड के डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद। तो राइट आंसर इज चाइना, यूटी ऑफ जे एंड के की जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ
नहीं मिलती है, क्योंकि ये लद्दाख यूटी की बॉर्डर जो है चाइना के साथ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 227, विच डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर इज नॉन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स? तो राइट आंसर इज बारामूला, बारामूला इज नॉन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स। क्वेश्चन नंबर 228, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर इज भारत रत्न इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 229, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसिस विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाइएस्ट पॉपुलेशन? तो राइट आंसर इज जम्मू, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसिस हाइएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इज जम्मू। क्वेश्चन नंबर 230, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसिस विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाइएस्ट लिटरेसी रेट? तो राइट आंसर इज जम्मू, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसिस हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 231, अकबरनामा वाज रिटन बाय? तो राइट आंसर इज अबू फजल। क्वेश्चन नंबर 232, हु केम टू इंडिया एट जहांगीर्स कोर्ट टू सीक परमिशन टू ओपन फैक्ट्रीज? तो राइट आंसर इज कैप्टन विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय, दोनों ने जो है जहांगीर की कोर्ट्स में आए, उन्होंने फैक्ट्रीज खोलने की परमिशन ली। क्वेश्चन नंबर 233, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड पासिस थ्रू डैश स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर इज 8, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया की 8 स्टेट से पास होती है। क्वेश्चन नंबर 234, द इक्वेटर पासिस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज? तो राइट आंसर इज 13, इक्वेटर जो लाइन है वो 13 कंट्रीज से पास होती है। इंडिया हैज अ लैंड ऑफ फ्रंटियर ऑफ? तो इंडिया की जो बॉर्डर्स लैंड है वो कितनी है? तो वो है 15,200 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 236, फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट? तो राइट आंसर इज वरिंदर सहवाग, वरिंदर सहवाग ने सबसे पहले 3 सेंचुरी स्कोर की थी टेस्ट क्रिकेट में। क्वेश्चन नंबर 237, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर इज गोरखपुर, गोरखपुर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 238, विच इज यूज टू एग्जामिन इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी? तो राइट आंसर इज इंडोस्कोप, इंडोस्कोप इज यूज टू examines the internal parts of the body. Question number 239, who is called Sher-e-Kashmir? The right answer is Sheikh Muhammad Abdullah is called Sher-e-Kashmir. Question number 240, the term of ground diamond is related to which game? The right answer is baseball. Term of ground diamond is related to baseball game. Question number 241, who among the following is also called as MD Khurram? The right answer is Shahjahan. क्वेश्चन नंबर 242, हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज एम डी सलीम? तो राइट आंसर इज जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 243, हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज जिंदा पीर आलमगीर? तो राइट आंसर इज औरंगजेब, औरंगजेब इज आल्सो कॉल्ड एज जिंदा पीर आलमगीर। क्वेश्चन नंबर 244, द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज? तो राइट आंसर इज जब्बार खान, जब्बार खान वाज द लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 245, हु अमंग द फॉलोइंग सीजन इज आल्सो नॉन एज शीश शुर? तो राइट आंसर इज आइस कोल्ड सीजन। क्वेश्चन नंबर 246, रामबन डिस्ट्रिक्ट वाज कैब्ड आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? तो राइट आंसर इज डोडा, रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है वो डोडा से कैब आउट की गई है। क्वेश्चन नंबर 247, एशियाज लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो राइट आंसर इज श्रीनगर, टूलिप गार्डन जो है वो एशिया का लार्जेस्ट गार्डन है और ये श्रीनगर में है। क्वेश्चन नंबर 248, इन विच ईयर द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन इंडिया? तो राइट आंसर इज 1973, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 249, हु वाज द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? तो राइट आंसर इज पुलकेशिन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 250, विच वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इन इंडिया? तो राइट आंसर इज स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी वाज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 251, द पॉपुलर बाग केव पेंटिंग्स आर फाउंड इन? तो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश, पॉपुलर बाग पेंटिंग जो है वो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 252, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो सबसे पहले इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश की गई बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 253, नेम द पैसेज यूज बाय पिलग्रिम्स इन उत्तराखंड फॉर कैलाश मैसूरवर यात्रा? तो राइट आंसर इज लिपुलेक, तो पिलग्रिम्स जो हैं वो उत्तराखंड में कैलाश मैसूरवर यात्रा को जब जाते हैं तो वो कौन सी लेक से होकर जाते हैं? वो लिपु लेक से होकर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 245, बगलियार डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? तो राइट आंसर इज चेनाब, बगलियार डैम जो है वो चेनाब रिवर पे है। क्वेश्चन नंबर 255, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द सन? तो राइट आंसर इज प्रॉक्सिमा सेंटोरी। क्वेश्चन नंबर 256, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट
मेनलैंड कोस्ट लैंड, तो राइट आंसर इज गुजरात। गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लैंड, यानी समुद्र के किनारे सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो किसकी, कौन से स्टेट की है, वो है गुजरात स्टेट की। क्वेश्चन नंबर 257, हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग, तो राइट आंसर इज 5, देयर आर 5 रिंग्स इन ओलंपिक फ्लैग। क्वेश्चन नंबर 258, द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी इज, तो राइट आंसर इज ब्यूटेन, ब्यूटेन इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 259, हु इज कॉल्ड शेरे डुगर, तो राइट आंसर इज प्रेमनाथ डोगरा इज कॉल्ड एज शेरे डुगर। क्वेश्चन नंबर 260, द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ योर इज कॉल्ड, तो राइट आंसर इज योर करंट। क्वेश्चन नंबर 261, इन कश्मीर अफगान रूल वॉज फॉलोड बाई, तो राइट आंसर इज सिख रूल, अफगान रूल के बाद कश्मीर में सिख रूल आया था। क्वेश्चन नंबर 262, हु अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज बर्ड सिंह, तो राइट आंसर महाराजा रंजीत सिंह इज आल्सो कॉल्ड एज बुद्ध सिंह। क्वेश्चन नंबर 263, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सिख रूल इन कश्मीर, तो राइट आंसर इज महाराजा रंजीत सिंह वॉज द फर्स्ट रूलर, फर्स्ट सिख रूलर इन कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 264, हु वॉज द फर्स्ट, हु वॉज द फादर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, तो राइट आंसर इज महाराजा महन सिंह वॉज द फादर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 265, सिख रूल लास्टेड फॉर डैश ईयर्स इन कश्मीर, तो राइट आंसर इज सिख रूल लास्टेड फॉर 27 ईयर्स इन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन 266, व्हेन डिड द सिख रूल बिगन इन कश्मीर, तो राइट आंसर इज 1819 से सिख रूल जो कश्मीर में बिगन हुआ था, 1819 से लेकर 1846 तक। क्वेश्चन नंबर 267, चांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर्स बॉर्डर विद, तो चांबा डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की, उसकी बॉर्डर मिलती है डोडा डिस्ट्रिक्ट से। क्वेश्चन नंबर 268, टुलिप गार्डन इज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ, तो टुलिप गार्डन जो है वो जबरवान हिल्स पे है, हिल्स में। क्वेश्चन नंबर 269, लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, तो इंडिया में लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 270, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन जे एंड के, तो राइट आंसर इज डोडा, डोडा हैज़ द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन जे एंड के, ज़्यादा जो फॉरेस्ट जे एंड के में वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 271, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द लीस्ट फॉरेस्ट कवर इन जे एंड के, तो राइट आंसर इज श्रीनगर, सबसे कम जो फॉरेस्ट है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 272, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द गवर्नर्स ड्यूरिंग द रीन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो राइट आंसर इज गियासुद्दीन तुगलक जो था वो एक गवर्नर था अलाउद्दीन खिलजी के दौरे हुकूमत में। क्वेश्चन नंबर 273, डैश वाज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम वुमेन टू एवर सिट्स ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, तो राइट आंसर इज रजिया बेगम वाज द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम वुमेन टू एवर सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 274, हु वाज द पीएम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एमरजेंसी बिटवीन द ईयर्स 1975 टू 1977, 1975 से 77 के बीच में जो एमरजेंसी पीरियड आया, तो उसमें उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, थे वो थे इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 275, विच इंडियन मूवमेंट वाज बिल्ट बाई, सॉरी विच इंडियन मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट बाई महाराजा सवाई प्रताप सिंह इंडिया इन द ईयर 1799, तो 1799 में जो है मॉन्यूमेंट किसने बिल्ड किया था महाराजा सवाई प्रताप के नाम पे, ये किया था हवा महल ने। क्वेश्चन नंबर 276, एज पर द सेंसस ऑफ 2011, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस, तो राइट आंसर इज थाने महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जो थाने डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। क्वेश्चन नंबर 277, इन इंडिया द उर्सा मेजर्स कॉन्स्टलेशन आल्सो नॉन एज, तो राइट आंसर इज सप्तऋषि, इंडिया का जो मेजर कॉन्स्टलेशन जो है उसका दूसरा नाम क्या है, सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 278, लाइट इज अ, तो लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। क्वेश्चन नंबर 279, हु इज कॉल्ड एज शहीद ए आजम, तो राइट आंसर इज भगत सिंह इज कॉल्ड एज शहीद ए आजम। क्वेश्चन नंबर 280, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स वार हेल्ड इन, तो राइट आंसर इज ग्रीक, फर्स्ट ओलंपिक गेम वाज हेल्ड इन ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 281, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर, तो राइट आंसर इज दीवान मोती राम वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 282, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर सिख गवर्नर आल्सो कॉल्ड एज कॉलोनियल, तो राइट आंसर इज मियाँ सिंह वाज द मोस्ट पॉपुलर सिख गवर्नर आल्सो कॉल्ड एज कॉलोनियल। क्वेश्चन नंबर 283, हु डोनेटेड द गोल्ड टू कोर्ट
गोल्ड फॉइल ऑन द हरमिंदर साहेब। तो राइट आंसर इज महाराजा रंजीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 284, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंड लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो राइट आंसर इज शेख इमामुद्दीन वाज द फर्स्ट लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 285, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ J&K। तो राइट आंसर इज कठुआ। जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। क्वेश्चन नंबर 286, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ जम्मू एयरपोर्ट। तो राइट आंसर इज सतवारी एयरपोर्ट आर जम्मू सिविल इनक्लेव। क्वेश्चन नंबर 287, व्योर इज द नॉर्दर्न कमांड ऑफ डिफेंस। तो राइट आंसर इज उधमपुर। नॉर्दर्न कमांड ऑफ डिफेंस इज इन उधमपुर। क्वेश्चन नंबर 288, विच एंशंट पास्ट द एट दैट टाइम कनेक्टेड श्रीनगर एट एंड गिलगत। तो राइट आंसर इज बुरजिला पास। बुरजिला पास जो था वो एंशंट टाइम्स में श्रीनगर और गिलगत को आपस में जोड़ता था। क्वेश्चन नंबर 289, इन 1026 AD हु अटैक्ड एंड लूटेड द फेमस सोमनाथ टेम्पल। तो 1026 AD में किसने अटैक किया और मशहूर सोमनाथ टेम्पल लूटकर ले गया। तो वो थे महमूद गजनी। क्वेश्चन नंबर 290, हु वाज द फिफ्थ ऑफ द 10 सिख गवर्नर्स। जो 10 सिख गवर्नर्स हुए हैं उसमें से पांचवा सिख गवर्नर कौन था। तो वो थे गुरु अर्जन देव। क्वेश्चन नंबर 291, द कुतुब मीनार वाज नेम्ड आफ्टर द सूफी सेंट डैश। तो कुतुब मीनार जो है किसके नाम पर है। तो ये है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे है कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 292, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ट द वर्ल्ड फेमस हरमनदार साहिब पॉपुलर नोन एज गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल का जो दूसरा नाम है वो है हरमंदर साहिब। तो हरमंदर साहिब जो गोल्डन टेम्पल है ये किसने बिल्ट किया था। तो ये किया था गुरु अर्जन देव ने। क्वेश्चन नंबर 293, द रिवर गंगा इमर्ज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स एंड एंड्स एट। जो रिवर गंगा है ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है और इसका एंड होता है बे ऑफ बंगाल सी में। क्वेश्चन नंबर 294, द टर्म ब्लड मून इज यूज टू रेफर टू। तो द टर्म ब्लड मून इज यूज टू रेफर टू लूनर इक्लिप्स। क्वेश्चन नंबर 295, विच इज द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो राइट आंसर इज ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 296, द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। तो राइट आंसर इज किबिथू इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 297, द टर्म कॉर्नर किक इज रिलेटेड टू विच गेम। तो राइट आंसर इज फुटबॉल। द टर्म कॉर्नर किक गेम इज रिलेटेड टू फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 298, 3 seconds आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो राइट आंसर इज 3 seconds आर रिलेटेड टू बास्केटबॉल स्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 299, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। राइट आंसर इज एसिटिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 300, नॉइस इज मेजर्ड इन। तो नॉइस इज मेजर्ड इन डेसिबल। तो ये थे आज के 300 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।